एक बार शुरुआत करने के बाद जैसे जैसे मधुमक्खियां बढ़ती हैं, बक्सों की संख्या बढ़ाते हुए व्यवसाय में वृद्धि की जाती है। बहुत अच्छा बिजनेस है ये एक बक्से से आदमी साल भर में 1,000 रुपये तकरीबन कमा लेता है। तो जितने बॉक्स होंगे उतने कमा लेता है। किसी पे 100 बॉक्स हैं तो वो साल भर में 1,00,000 रुपये आराम से बिजनेस से कमा सकता है। और मक्खी भी 100 की 200 तो हो ही जाती हैं। और हम 8 सालों में यहाँ तक पहुँचे हैं इस बिजनेस को 50 डब्बों से शुरू करके कि आज 1,200 बॉक्सों के साथ में हम पूरा ट्रेडिंग भी करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं और उद्यान विभाग की सहायता से राजस्थान में सारे बॉक्स सप्लाई भी करते हैं। मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू करने से पहले उनके पोषण की पूरे वर्ष की योजना बनाना जरूरी है ताकि समय समय पर मक्खी को पर्याप्त पराग और मकरंद मिलता रहे। अन्यथा मधुमक्खी को जीवित रखने के लिए कृत्रिम भोजन के रूप में चीनी का घोल दिया जाता है। जब तक सरसों का फूल है तब तक तो हम इसको यहाँ रखेंगे। उसके बाद में हम जहाँ दूसरी वैरायटी के फूल मिलते हैं, जैसे इसके बाद में यूकेलिप्टस का मिलेगा हमें, हम इसको सहारनपुर ले जाएंगे। यहाँ यूकेलिप्टस की जहाँ बेल्ट है वहाँ लेके जाएंगे, कुरुक्षेत्र ले जाते हैं, पंजाब में लेके जाते हैं, हरियाणा में लेके जाते हैं, दिल्ली के पास रेवाड़ी में भी रखते हैं इसको। उसके बाद यूकेलिप्टस का हम 1-2 राउंड ले लेते हैं। यूकेलिप्टस के लेने के बाद में बरसी में मिल जाती है हमें, और बरसी में भी अच्छा शहद मिल जाता है। महुआ की कई जगह बेल्ट हैं उनमें भी ले लेते हैं शहद, किंतु जो शहद हमें मिलता है अच्छी जो रेटें मिलती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, सिर्फ सरसों के शहद की मिलती हैं।